अस्सलामु अलैकुम, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बाजू के प्यारे से डिज़ाइन के साथ। उसके लिए मैंने कपड़े की एक पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। लंबाई जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्लेट बनाने हैं। 1-1 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैंने सेंटर में पहले प्लेट बना लिया बिल्कुल हाफ फोल्ड करते हुए कपड़े को, और फिर मैंने 3-3 इंच पर भी प्रेस से निशान बना लिया है। पहले प्लेट के ऊपर सेंटर वाले के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हमने बाकी प्लेट्स के ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे प्लेट्स के ऊपर सिलाइयाँ लग चुकी। अब सेंटर वाले को ही पकड़ के आपको दिखाती हूँ। इस तरह इसको फैला लेना है प्रेस से फोल्ड करके, तो इसके ऊपर हमने प्रेस कर लेनी है। और नीचे मैंने जो है पेपर बुकरम को अटैच कर लिया है ताकि ये थोड़ी नीट लुक आ जाए। अब साइडों से हम सिलाई लगा के इन प्लेट्स को कवर कर लेते हैं ताकि ये सेफ हो जाए। देखिए माशाल्लाह से। अब एक और कपड़े की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2.5 इंच है। उसके ऊपर हमने 1/2 इंच के मार्जिन से बिल्कुल बारीक वाले पिंटेक्स जो हैं वो बनाने हैं। इसी तरह सेट करके रखते हुए आप निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए पूरी पट्टी के ऊपर हमने प्लेट्स बारीक वाले 1/2 इंच के मार्जिन वाले बना लिए हैं। दोनों पट्टियों पर प्रेस बुकरम को प्रेस भी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको बड़े प्लेट्स वाली जो पट्टी है उसको सेंटर से फोल्ड करते हुए सेंटर में कट बना लेना है, और बाजू के सेंटर में भी हमने कट लगा लिया है। इस तरह रखते हुए इसके ऊपर बाजू की सीधी साइड पे 1/2 इंच के मार्जिन से इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 इंच है। ये ग्रीन प्लेट वाली पट्टी की दूसरी साइड पे हमने इस पट्टी को अटैच कर देना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये पट्टी अटैच हो चुकी। अब बाजू को हमने उल्टा रख लेना है और बारीक प्लेटों वाली पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है इसके साथ। और फिर इसको फ्रंट साइड से भी हमने 1/2 इंच प्रेस से फोल्ड कर लिया है, और सिलाई वाले कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए इसकी किनारी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। गाइज, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह सारी सिलाइयों के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिज़ाइनिंग जो है सिलाई मशीन वाली मुकम्मल हो चुकी। अब ये जो 5 बड़े प्लेट थे इनको इस तरह से सेट करके रखते हुए इसके ऊपर हमने सुई से टांके लगा के तो इसका वो स्टाइल बना देना है। इस तरह से उसके ऊपर हमने बटन लगा देने। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिए, यहाँ आपको स्लीव्स के बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब अंदर वाली बाजू की सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है स्लीव्स का तैयार हो चुका है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।